देखो, तुम्हारा ये ऑफर मुझे अच्छा लगा, पर तुम कुछ महीने पहले कहते तो बात कुछ और होती, पर अब सब कुछ बदल गया और इसकी वजह तुम हो। पहले जैसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे और चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हें और चाहिए, तुम्हें मुझसे ही वो आदत लगी है। सवाल ये है कि कितना। मैं जन्नत देखना चाहती हूँ। तुम जो चाहती हो वो नामुमकिन है। मैं इस रिश्ते को एक खास तोहफा समझकर याद रखूंगा। मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी गाड़ी में कभी बैठना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उस दिन ना आई होती तो मैं अपनी जिंदगी। क्या देख रही हो प्रिटी वुमन? मेरी बुद्धि मारी गई थी। मम्मी कह रही थी आप पड़ोसी की बेटी के साथ सोए थे इसलिए घर छोड़ रहे हैं। यही सब बातें मुझे सबसे ज्यादा परेशान। नहीं देखो, मम्मी अभी गुस्से में हैं और गुस्से में वो मेरे बारे में ऐसा कुछ कहेंगे जैसे तुम मुझसे नफरत करो। हाँ, और मैं घर छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग ऐसी बकवास पिक्चरें देखकर सच्चा प्यार, एक साथ जिंदगी काटना, इन चीजों पर विश्वास करने लगे हैं और ये सब सच नहीं है, झूठ है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा हाल मेरी तरह ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर मेरी तरह अपनी जिंदगी खराब कर लो। मुझसे एक वादा करो बेटा कि तुम इन चक्करों में नहीं पड़ोगी और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगी, किसी के कहने या दबाव में आकर नहीं। समझ गई ना? क्योंकि अंत में सब खराब हो जाता है। वादा करती हो? ये हुई ना बात। इसका मतलब आप हमारी पड़ोसी की बेटी के साथ नहीं सोए? नहीं नहीं, मैं सोया था, ये सच है। एक बार नहीं बल्कि कई बार हमने साथ में बहुत मजे किए। तुम्हारे डैड बड़े ही नाम ही खिलाड़ी हैं, हैं? समझ गई? चलो अब मैं चलता हूँ। वैसे ये प्रिटी वुमन प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, मैं देखती हूँ। दादियाँ फूट फूट कर रो रही हैं, हाथ में टिश्यू और दवाइयाँ लिए दूसरे रो में बैठी है। पेज बॉय ढीला सा है पर ब्राइड को लाने के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिला। प्रीस्ट के बारे में पता कर लिया है, कई शादियां करा चुके हैं लेकिन किसी भी शादी में कोई कांड नहीं हुआ है। चलो अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा, मुझे लड़की का क्या हाल है? अब भी सदमे में लग रहा है, सॉरी उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी लोग? सब अपनी जगह पर है। और ब्राइड कहाँ तक पहुँची? बस अंदर ही आ रही है। 3, 2, ओ नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? यार ब्राइड इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है, अपनी माँ से कह रही है मेरी उम्र निकलती जा रही है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ब्राइड कैरिज में बैठने जा रही है। 53 seconds, 52, 50, 49, 48, म्यूजिक मम्मा, 45, 44, मम्मा 43, 42, मेरी माँ भी ना, एक्सक्यूज मी मम्मा, मेरी आंख लग गई थी। ये क्या किया अभी मैंने? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, ब्राइड नहीं आई है। सब लोग बैठ जाइए। गलती से म्यूजिक बज गया था। अरे बाप रे, वो देखो वहां पर आग लग गई है। देख सकता हूं आग लग गई। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नहीं नहीं, ये आग लग गई। और तू यहाँ आने से मना कर रहा था? इसमें वाइन डाली है। चिंता मत करो, मैं अभी आग बुझा देती हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा। उम्मीद है ये तो पानी हो। बस बस अभी, हाँ ये तो पानी ही है। बस बस एक ग्लास और हो गया। आग बुझ गई, शादी की तैयारियां जारी रखिए। यार ये लड़की तो बहुत तेज है। ये लीजिए, आप इसे संभालिए, आप प्ले कीजिए। दोनों में कितना प्यार है। तभी तो मैं इस बिजनेस में आई हूँ, जब तक लोग प्यार करेंगे मैं पैसे कमाती रहूंगी। देखना वो लड़का कितना रोमांटिक है, दिल कर रहा है अभी उस लड़की को बाहर निकाल के उसकी जगह ले लूँ। कितना टाइम हो गया तुम्हें? क्या बताओ, कब किया था पिछली बार? कब किया था? हाँ? वो पता नहीं।
इतना टाइम तो नहीं हुआ है। मुझे लाइफ में सिर्फ सेक्स नहीं, प्यार भी चाहिए। अच्छा? हाँ मरीना। वाओ, फिर तुम्हें कोई प्यार करने वाला ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए कोशिश तो कर। मैं तुम्हारी मैं मदद करती हूँ। वो सामने तुम्हें वेटर दिख रहा है। अच्छा, ठीक सामने। वो कब से तुम्हें घूर रहा है? क्या सच में? मैं तो कहती हूँ जाकर हाय हेलो कर लो, उसे अपनी जाल में फंसा लो और फिर चुपचाप वॉशरूम में ले जाकर उसे जन्नत दिखा दो। उसे ऐसे फंसाओ कि वॉशरूम से आवाज आनी चाहिए और जोर से कम ऑन बेबी और जोर से। चुप हो जाओ, वो हमें ही देख रहा है। वो मेरी माँ है ना? अरे यार आओ ना, मुझे वॉशरूम में तुम्हें कुछ दिखाना है। आपने कुछ कहा? हाँ बोलो ना, वॉशरूम में। हाँ तुरंत आई, रुको। हर चीज अपने हिसाब से करती है। ब्राइड को ये पसंद है, नहीं ऐसे मत कीजिए, लड़के को ये पसंद है, पर मुझे क्या पसंद है वो कभी पूछा? अपनी माँ को पूछा? हाँ, माँ की कोई फीलिंग नहीं है उसके? हेलो मामा। हाय स्वीटी। मामा, हाँ? फिर से पी रही है? नहीं। अच्छा नहीं, इसमें तो। अच्छा तो फिर ये क्या? इसमें तो टॉनिक है। टॉनिक है, मैं टेस्ट करके देखूं। अल्फ्रेडो, मैंने टॉनिक डालने को कहा था, तुमने शराब डाल दी। मैंने आपको शादी में मेरी मदद करने के लिए बुलाया या अय्याशी करने के लिए? ये तो बैठे बैठे सो गए। हेलो, हेलो सर। इनका नाम मनोलो है। मनोलो, हेलो सर। आखिर इनका हाथ इतना ठंडा क्यों है? सुनो, एसी बंद कर दो, बहुत ठंड लग रही है। सर उठिए। मम्मा, मुझे लगता है ये मर चुके हैं। हो सकता है, तभी ये मेरी बात इतनी शांति से सुन रहा था। आपने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैं तो बस इसके साथ यहाँ बात करने आई थी। अच्छा अच्छा, ये कैसे? इरीन, एक इमरजेंसी आ गई है। मनोलो, मनोलो उठो भी। ओके, गुड नाइट। मैं जा रहा हूँ बेन। कार्लोस रुकना, जल्दी क्या है यार, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पी रही हैं और पूछ रही हैं कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। अगर किसी का मूड बन गया तो सोच जरा किसके भाग खुलेंगे मेरे। तू मूड बना, मैं जा रहा हूँ। अरे यार तू सच में जा रहा है और क्या? क्या मजाक लग रहा है? मेरे लिए तो रुक जाना कार्लोस। देखिए इन्हें क्या हुआ है। ठीक हो जाएगा। अरे ये तो मनोलो है। मनोलो, अरे मनोलो उठो। नहीं नहीं मनोलो, अरे आप क्या कर रहे हैं? दरअसल ये मेरा कजन मनोलो है, ये अल्बा सिटी से यहाँ है। इसके ऊपर की टिकट कट गई। वो तो है। अगर सबको पता चल गया कि ये मर चुके हैं तो सब लोग घर चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ शादी चल रही है, जैसा चल रहा है चलने दो। ये 90 साल का हो चुका था, बहुत कमीना था। इसने अपनी उम्र 60 बताई, मुझसे झूठ कहा। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसे आदमी के लिए कोई अपनी बेटी की शादी क्यों कैंसिल करना चाहेगा? अच्छा एक मिनट, तुमसे बात करनी है, जरा इधर आना। चलिए सर उठिए। मैं प्यार से सब उठा रहे हूँ, उठता क्यों नहीं है बुड्ढा? देख रही थी सच में मरा है या सबको डराने के लिए एक्टिंग कर रहा है। मरीना तुम जानती हो इस शादी पर कितना खर्च हुआ? हाँ, मैं जानती हूँ सर। तो मान लो किसी वजह से ये शादी कैंसिल होती है तो मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं करा पाऊंगा, तो कुछ भी करके इसे यहाँ से हटाओ। मैं बीच शादी में सबके सामने उनकी डेड बॉडी को कैसे छुपाऊंगी? ये तुम्हारा काम है, तुम हमारी वेडिंग प्लानर जो। बिल्कुल सर। अरे यार ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा रुक जाना। मेरे भाई मेरा पूरा हफ्ता बहुत खराब गया, मुझे जाने दे। तभी तो तुझे यहाँ लाया हूँ, आकर तू भी अपना मूड ठीक करना। नहीं यार मुझे जाना है। सुना, लड़की की कजिन मुझे देख रही थी, बताना क्या करूँ, कुछ तो राय दे यार। कुछ मत कर, जैसा है वैसा ही रहे। लड़की की कजिन यहाँ भी आ गई है, देख कर पीछे ही आ रही है, पीछे। कार्लोस रुक जाना यार। सुन तो कार्लोस, तू मेरे लिए तो रुक सकता है। सॉरी भाई, मुझे तंग मत कर प्लीज। हाँ 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 प्लीज, यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए। हाँ इसी एड्रेस पे। उनसे कहिए कि साइरन्स ऑफ रखें। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी शोर हो। नहीं नहीं, जानती हूँ डेथ हुई है, पर इस चक्कर में किसी की शादी नहीं खराब कर सकता। मर गई नहीं, राइड आ रही है, जल्दी से छुपाओ। चलो चलो चलो, इस तरफ सब कुछ ध्यान से करना। नो मिया, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तू हमेशा ऐसा करता है, मैं कभी कुछ नहीं बोलता, बस आज रुक जा। मैं देख, मैं गाड़ी के पास तेरी मर्जी, प्लीज नहीं रुकना है तो मत रुक। नहीं नहीं, हेलो हेलो, क्या क्या? अबे तुझे नहीं, इनको बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, हेलो 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 सर, हेलो। सुनिए सर, लगता है ये मर चुके हैं। सर उठिए, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं, हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। अबे तू पागल हो गया क्या? फालतू में मर्डर केस बन जाएगा और 1 से 4 साल तक हम लोग अंदर सड़ते रहेंगे। अरे देखना, सब कुछ ठीक तो है ना, तेरी गाड़ी को कुछ हुआ है ना, इनको चोट लगी है, इन्हें इनके कमरे में छोड़ देते हैं। सबको ऐसा लगेगा कि शादी में इन्होंने ज्यादा दारू पी ली और यहाँ पर आकर मर गए। चिंता मत कर, मैंने CID सीरियल बहुत बार देखी है। आइडिया काम करेगा? अरे हाँ रे बाबा करेगा। किसी ने देख लिया तो? अरे लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना। अगर पकड़ेगा? अरे नहीं पकड़े जाएंगे यार, तू सीधा इनको अंदर लेके जा, बॉडी को छुपा और इनके मुंह पर दारू ठूसता रहे, समझा ना? मैं वहां जाकर नजर रखता हूँ। चल जा जा जा।
मुझे छोड़कर जा रहा है? अरे कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ यार? फिर मुझसे दूर क्यों जा रहा था तू? अबे दूर जा रहा हूँ ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, एक साथ रहे तो शक हो जाएगा, समझ गया? देख मुझे डेड बॉडी के साथ अकेला मत छोड़। चिंता मत कर, बस लंबी सांस ले, लंबी सांस ले। इनको निपटा, मैं अभी आता हूँ। ये बुढ़ा सच में मनहूस है। अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उनकी बॉडी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखो वो बॉडी हमारे हाथ से छोटी है और मैं नहीं चाहती वो किसी के हाथ लगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा। हो सकता है वो मरा ही नहीं हो, हो सकता है वो एक्टिंग कर रहा हो सकता है वो... मम्मा हाँ चलो चलो ढूंढते हैं। आंटी हाँ इस तरफ, इस तरफ, उस तरफ, हर तरफ ढूंढते हैं बुड्ढे को। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ मिला? एक्सक्यूज मी, बता सकते हैं ये रूम्स किस तरफ है? यहाँ से सीधे चले जाइए। शुक्रिया, आज दादू ने कुछ ज्यादा ही पी ली। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या किया तुमने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे दादू ने कुछ ज्यादा ही पी ली। इन्होंने दारू नहीं पी है, बिल्कुल दारू नहीं पी है। एक्चुअली मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था और ये मुझसे टकरा गया। नहीं, ये मर चुके थे, तुमसे कुछ नहीं हुआ है। देखो, नहीं, तुम चुप रहो, हमें इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। आ जाओ, सच कह रहे हो? आ जाओ जल्दी। वैसे मेरा नाम कार्लोस है। अच्छी बात है, अब आओ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जल्दी करो। तुम कहाँ जा रहे हैं? थैंक यू मरीना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। क्या मेरे कजन के लिए? हाँ सर। नहीं नहीं, उसके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे जिस तरह से तुमने ये सब कुछ संभाला है ना, तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। so अच्छा much, काम कर रही है। हाँ, Keep it up. Thank you. मिलते हैं। आप अंदर जाइए, तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे बहुत अफसोस है। अरे कोई बात नहीं। Hey, thanks. तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। होना क्या था, मैं चक्की पीस रहा होता। नहीं नहीं, ये बहुत बुरा जोक था, I'm sorry. आओ मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाती हूँ। नहीं actually मुझे जाना है इसलिए। नहीं नहीं प्लीज ऐसे नहीं, अंदर आ जाओ। बहुत आसान है, बस एक अच्छी जगह चाहिए, अच्छा मेन्यू, पार्टी के लिए अच्छा बैंड और एक अच्छी टीम चाहिए, और कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, तय रहा कि अपनी शादी के लिए मैं तुम्हें हायर करूंगा। मैं भी यही सोच रही थी, साल के अंत में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो मेरे लिए बढ़िया होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम नहीं, पुराने नहीं, अंदाज में शादी करना चाहते हो या फिर? मैं मजाक कर रहा था, यू नो। और तुम्हें लग रहा है कि मैं सीरियस हूँ? बढ़िया है, दो शॉट्स लाना, स्ट्रॉन्ग प्लीज। थैंक यू। वैसे बिजनेस अच्छा है, जब तक लोग शादियां करते रहेंगे तुम्हारा बिजनेस। हाँ, जब तक शादियां होती रहेंगी तब तक कमाती रहूंगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। तुमने शादी कर ली? नहीं अभी नहीं, और मैं करूंगी भी नहीं। मेरे लिए शादी एक बिजनेस है, मैं शादियां प्लान करती हूँ लेकिन शायद आगे मन बदल जाए। नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं। मैं ये शादी वगैरह नहीं मानती। हाँ, वैसे मैं भी नहीं मानता। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, मैं एक वेडिंग प्लानर होकर ऐसी बातें कर रही हूँ तुमसे। हाँ? नहीं, नहीं नहीं। अच्छा पता है मुझे ये गाना बहुत पसंद है, चलो ना मिलकर डांस करते हैं। मारियो आ जाओ, मारियो आ जाओ। हाँ कार्लोस जो भी है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ देर डांस कर लो फिर चले जाना। आ जाओ। Kriegsminister gibt's nicht mehr.
ठीक है, दर्द हो रहा है तो रुक जाता। नहीं नहीं बस करते रहो मारियो। मेरा नाम कार्लोस। कार्लोस। अच्छा था। मेरी टैक्सी। टैक्सी? हाँ, मैंने एक टैक्सी बुक की थी। पूरा टाइम तो मेरे साथ थी, टैक्सी कब बुक की? वेडिंग प्लानर हूँ, टाइम मैनेज करना जानती हूँ, मैं चलती हूँ। वैसे मुझे आज बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। आ गई। एक मिनट, ये रहा मेरा मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर है और साथ में मेरी ईमेल आईडी भी है। अरे वाह, ऑल योर्स। हाँ, ये मेरी एजेंसी का नाम है। तो ठीक है, बाय, ध्यान रखना। टेक केयर, गुड नाइट। चलो अबे ये क्या हो गया? चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। कैसी थी शादी? शादी अच्छी थी, बहुत अच्छी, मजा आया। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आती। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेबी, बेन मुझे जबरदस्ती ले गया था, वरना मैंने भी नहीं जाना था। मैं तुम्हारे कपड़े धोने डाल रही हूँ, ठीक है? चलो उठो। कितनी बदबू है। ये भी ले जाती हूँ। ये क्या है? ये मरीना कौन है? कार्लोस, तुम्हारी जेब में कार्ड मिला? बैठे बैठे आंख लग गई। क्या कहा तुमने? मुझे ये कार्ड मिला जिस पर मरीना लिखा है। पता नहीं, शादी में किसी ने कार्ड दे दिया होगा, मुझे याद नहीं। ऑल योर्स लिखा है। अच्छा, कार्लोस बेन के साथ कहाँ गए थे? बेबी, मैं शादी में गया था और किसी ने मुझे कार्ड दे दिया। कार्ड और... किसने दिया वही तो जानना है मुझे। तुम्हारी जेब से मरीना नाम की लड़की का कार्ड मिला जिस पर ऑल योर्स लिखा है और तुम्हें नहीं पता? अच्छा, तो ये वेडिंग प्लानर है, इसका मतलब हम दोनों शादी कर रहे हैं? हाँ, क्या तुम सच में कह रहे हो? नहीं। हाँ या नहीं? सरप्राइज बेबी। पर तुम मुझसे बिना पूछे? हाँ, एक्चुअली मैं पूछने ही वाला था, हम शादी कर ले बिना प्लान के? हाँ, प्लानिंग मैनिंग हो जाएगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कार्लोस, हाँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा। एक तो जेब में पैसे नहीं है, ऊपर से तू सारे कर्जे याद दिलाए जा रहा है, कमाल है। बेन, क्या है? यार जब एलेक्सिया को सच बताऊंगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मुझे एक सवाल पूछना है तेरे से। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तू उसे ये बताएगा कि तू किसी और के साथ सोया है? अबे बताना तो पड़ेगा ना, तू जानता तो है मैंने उसे कभी चीट नहीं किया है। देख भाई, मैं जानता हूँ कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो सच बताने का क्या मतलब है जो तेरा घर ही बर्बाद कर दे। देख कुछ दिन और गुजर जाने दे, उसके बाद सब कुछ ठीक होने ही वाला है ना। मरीना, तुम्हें याद है ना हमें आधे घंटे में चर्च पहुँचना है? हाँ हाँ, पहुँच जाएंगे। वैसे कल की रात कैसी थी? वेटर के साथ कुछ हुआ? मैंने कहा था उसे वॉशरूम में ले जाना और वहाँ पर। मरीना मेरा भांजा है। कैसे हो बेटा? बेटा जाओ बाहर जाकर खेलो, हमें कुछ काम है यहाँ। ठीक है, गुड बॉय। पता है कितने पति अपनी बीवियों के साथ चीट करते हैं? सिर्फ हमारे ही देश में इसका आंकड़ा 72.3% है। उनमें से 68% अपनी बीवी को नहीं बताते और वो जिंदगी भर खुश रहते हैं। क्या कर रहा है? गूगल कर रहा है क्या? गूगल करके कोई फायदा नहीं है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी का डाटा। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। कल रात जब मैं मरीना से मिला तो लगा जैसे हमारे बीच कुछ स्पेशल है। अरे वो सब छोड़, तूने बूढ़े को ठिकाने लगाया? ठीक है, और सैंडल्स रख ली है ना? बस वही बची है, मैं ले आऊंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हेलो हेलो मरीना, मैं कार्लोस। कौन? वो मारियो। मारियो, हेलो। हाय। कैसे हो? ठीक हूँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है तो। मारियो सॉरी, मैं इस वक्त थोड़ी बिजी हूँ, कुछ देर बाद बात करी तो कैसे रहेगा? हाँ ठीक 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 है, प्लीज कॉल करना मत भूलना, क्योंकि बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। पता नहीं क्या बात है, कोई नहीं, कल शादी में जिसके साथ मजे किए थे उसका फोन। क्या कहा तूने? उसे अपना फोन नंबर दे दिया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने उसे हमारा कार्ड दिया था तो उसने मेरे नंबर पर कॉल कर लिया। उसे फिर से मिलने वाली है क्या? इरीन, हमने सिर्फ सेक्स किया है। कैसा था वो? अच्छा था, मजा आया, मतलब वो ऐसा था बिग बैंग।
हमेशा की तरह। अच्छा, मेहमानों की लिस्ट ले लेना। हाँ, ठीक है ठीक है। हमें वहाँ पर 1:15 तक पहुँचना होगा। 2 बजे फोटोग्राफर ब्राइड और ग्रूम के साथ होने चाहिए। बस 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 बस, 1 घंटे के लिए माँ बाप मेरे पास नहीं आने चाहिए। मैं नहीं चाहती कोई टांग अड़ाए। अच्छा सर, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कुछ मेहमानों के नाम लिस्ट में से मिसिंग है, आप देख लेंगे। मैं बस अभी आई सर। मनीना सुनो, और प्लीज मेरी मॉम पर खास नजर रखना। हाँ अच्छा ठीक है, मेहमान आना शुरू हो गए, सब कुछ परफेक्ट है। हम एक साथ एक सुर में गाएंगे और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखेंगे। एक भी नोट मिस हुआ तो निकाल दूंगी। ठीक है शुरू करते हैं। 1 2 3 गाओ। रुको बेबी, गलत गा रही हो, निकलो। ठीक है 1 2 3 शुरू करो। मम्मा सुनो, 3 गिनने पर म्यूजिक बजाना। ठीक है 3 2 1। मेरी माँ किसी काम की नहीं है। जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ, कर रही हूँ ना। हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओह नो, ये भी ठीक है, यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं। मरीना, 4 क्लाइंट्स हमें मना कर चुके हैं, लड़की का बाप पैसे नहीं दे रहा है, ये सब तुम्हारी माँ की गलती इसमें है। मेरी क्या गलती हुई? ये गलती हुई क्योंकि आपने दारू पी रखी थी। मैंने नहीं पी थी, और चिल्लाना बंद करो, मुझे हैंगओवर है, पैरासिटामोल देना। अब ये हमारे साथ काम नहीं करेंगी। देखो तुम भी तो अपने भांजे को हर शादी में ले आती हो, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा उसके लिए। मेरे भांजे का स्क्रू ढीला नहीं है, वो 10 साल का है और परियों में विश्वास रखता है। आपके कहने का मतलब है परियां नहीं होती? मुझसे ज्यादा तो इसका स्क्रू ढीला। बेटा सच में परियां होती हैं। जाओ बाहर, पापा बुला रहे हैं तुम्हें। आप भी बाहर जाइए और सोचिए आपने क्या किया है। ठीक है जाइए। चलो फिर ठीक है, एक पैग लगाकर सोचती हूँ। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, कुछ सोच लेंगे। हाँ प्लीज। मर गए क्या? इसे प्यार हो गया क्या? मरीना। हाय। हेलो। सॉरी, मुझे इस तरह से आना पड़ा, पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम उस रात के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखो मेरे लिए वो बस एक। वैसे तुम्हें मेरा नाम याद है? हेलो एलेक्सिया। हाँ वो मैं मरीना हूँ। मरीना, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ हम मतलब हम दोनों तो प्राइमरी स्कूल से दोस्त हैं। तो बहुत अच्छा। मतलब हमारी शादी मेरी बचपन की दोस्त प्लान कर रही है। तुम्हारी शादी? हाँ, इसे मेरे सरप्राइज के बारे में पता चल गया। और वो छोड़ो, और बताओ कैसी हो? कितना टाइम हो गया, तुम कितनी बदल गई हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मुझे सब पता है। सच में? हाँ, कार्लो से बताया। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नहीं पता। तुम्हारा जो कार्ड था वो मेरी पैंट की पॉकेट में था, इसलिए वो निकाल लिया। इससे मिलो, ये इरीन है मेरी बिजनेस पार्टनर, और ये है एलेक्सिया मेरी बचपन की दोस्त, और ये है कार्लोस। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। कार्लोस। कार्लोस, तुमने बताया नहीं आ रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, और ना ही एलेक्सिया को कुछ पता है, सब अचानक हो गया। लगता है यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, वो एक्चुअली हमने सोचा था हम सरप्राइज देंगे। हाँ, मैं बताती हूँ। कल इसने जबरदस्ती मुझसे कार्ड मांग लिया, फिर एलेक्सिया को कार्ड मिल गया, और फिर इसे सब कुछ पता चल गया, और फिर इसके पूरे सरप्राइज की बैंड बज गई। हम सब बाहर क्यों खड़े, चलो अंदर चलते हैं। प्लीज आओ ना। हाँ चलो आ जाओ, चलो आइए आइए ना, बैठो ना। चाय कॉफी कुछ लोगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं। अच्छा, चाहिए। नहीं? नहीं नहीं। मरीना, तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। मुझे भी। तुमने वेडिंग प्लानर बनकर अपनी कंपनी खोल दी। कंपनी तुम दोनों की है? हम दोनों। हाँ, हम दोनों की है। मरीना, तुमने उस टीचर को गलत साबित कर दिया जो कहती थी तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसा किस टीचर ने कहा था? मुझे याद नहीं है, पर मैं खुश हूँ कि तुम इतनी आगे बढ़ गई हो। फिलहाल तो हमारे मुँह पर एक बड़ा तमाचा पड़ा है। कैसे? अच्छा तो कार्लोस, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने वाली हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ, बात ये है कि मैं कल सुबह से इस बारे में सोच रही थी, और हमारा शेड्यूल इस बार इतना बिजी है कि हम तुम्हारी शादी नहीं प्लान कर पाएंगे। क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, पर नहीं, 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 मैं समझ सकता हूँ, लगता है हमें किसी और को ढूंढना होगा। बचपन के दोस्त को मना कैसे कर सकते हैं? बात को समझो, हम ये नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है इस वक्त। मुझे यकीन है तुमने इन्हें हाँ कर दिया तो तुम किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर ही लोगी, है ना? सही कहा ना? ठीक है,
अब करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी होगी। ओह गॉड, मरीना मान गई बेबी। तो ये बताओ हम शुरुआत कहाँ से करें? पहले शादी की डेट डिसाइड करो। मैं सोच रही थी अगले महीने ठीक रहेगा। रुको, मैं अपनी डायरी लेकर आती हूँ अभी। ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? प्यार है तो देर किस बात की। मैं सोच रही थी कि हम टेनरिफ में शादी करें। मेरे मॉम डैड ने भी वही की थी। अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है। एक मिनट, शादियों का सीजन भी होता है? किसी भी शादी के लिए ये तीन चीजें सबसे जरूरी होती है। सबसे जरूरी शादी का वेन्यू, एक अच्छा म्यूजिकल बैंड और टेस्टी खाना। चलो तुम्हारी शादी प्लान करें। मेरे पास एक आइडिया है। एक और? हमारे पास टाइम कम है तो क्यों ना तुम कुछ दिन हमारे साथ टेनरिफ में रहो। क्या कहा? वहाँ कर तुम अच्छे से प्लान कर पाओगी। हाँ, क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, वहाँ मेरे डैड का घर है तो तुम आराम से रह सकती हो। क्या कहते हो कार्लोस? बिल्कुल, आइडिया बुरा नहीं, नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। टेनरिफ में? टेनरिफ में? टेनरिफ में? मेरी क्लास में 25 बच्चे और थे, पर मेरी फूटी किस्मत में एलेक्सिया की शादी लिखी है। मुझे तो याद नहीं तुम्हारी क्लास में ऐसी कोई लड़की थी। आप कभी मेरे स्कूल में आई भी हैं मम्मा? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या तुम अभी उससे नाराज हो? नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूँ। पता नहीं नाराज सही वर्ड है या नहीं। ओके, मेरे शैतान बच्चों, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एम्फीबियन एनिमल्स के बारे में 3 फैक्ट्स बताओ। हाँ एलेक्सिया। वो अंडे से पैदा होता है, बचपन पानी में गुजरता है और बड़े होकर लैंड पर रहता है। बहुत अच्छे, थैंक यू। मरीना, मुझे मैमल्स के बारे में ऐसे ही 3 फैक्ट्स बताओ। मैमल्स की बॉडी पर फर होते हैं, जैसे कि इस गोरिल्ला की बॉडी पर है। मरीना है गोरिल्ला? बच्चों ने ऐसा क्यों कहा? बस ऐसे ही, बालों की वजह से। प्लीज मम्मा, इसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल थे। इतने नहीं थे मम्मा। ठीक है, नहीं थे। मुझे वहाँ नहीं जाना। क्या कह रही हो? यहाँ कोई और क्लाइंट मिल जाएगा। मरीना, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, सिर्फ अर्नेस्टो और पॉल है। इसीलिए मैं ही शादी छोड़कर वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मैं और तुम्हारी मॉम मिलकर यहाँ संभाल लेंगे। लेकिन तुम दोनों की देखो नहीं बनती, लेकिन साथ तो काम करना ही पड़ेगा ना। हाँ, हम यहाँ संभाल लेंगे। मरीना, इसका भांजा भी तो है। मरीना, अगर ये डील नहीं हुई तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। देख, तू एलेक्सिया से शादी करेगा, तुम दोनों 6 साल से साथ में हो। अबे इतने साल साथ रहने के बाद आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम क्या है? क्या है? मैं किसी दूसरी लड़की के साथ? अबे हो जाता है यार, मैं कितनी औरतों के साथ सोया हूँ देखना। लेकिन एलेक्सिया सबसे अलग है। वो सुंदर है, सेक्सी है, समझदार है और सबसे जरूरी बात, मुझसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करती है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? मैं ही एक नंबर का गधा हूँ। गलती सबसे होती है यार, लेकिन तू एक गलती की वजह से अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। तू सही कह रहा है। तू ना होता ना तो मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। शांत रह। लेकिन भाई अब सब कुछ भूल जा। नए से सब कुछ शुरू कर यार। मैं कह रहा हूँ मान। मैं नहीं मार सकता। अबे पागल है क्या? नहीं मार सकता मैं। थैंक्स यार। बेबी चलो चले। बेबी तुम तैयार हो गई? हाँ मैं तैयार हूँ। और याद है ना, हमें उसके बाप को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पटाना है। हाँ ठीक है, समझ गया। लगना चाहिए उसे तुझसे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। नहीं हो पाएगा। उसे खुश करने में अपनी जान लगा दे। उससे चिढ़ते हैं। उसके सड़े हुए जोक्स पर तुझे हंसना पड़ेगा। मैं जानता हूँ वो बुड्ढा बहुत ही खड़ूस है, लेकिन अब हम दोनों की जिंदगी तेरे हाथ में। शांत हो जा, मुझ पर भरोसा रख। ओके चले। हाँ रेडी हो? मरीना वेट कर रही है। तुमसे एक बात कहूँ बेबी? अरे ये सब बाद में बोलते रहना। चलो चल ठीक है, मैं उठा लेता हूँ मेरे जूते पहने। तुम आज कितने हॉट लग रहे हो। तुम्हें पता है ना मेरी हमेशा से एक फैंटेसी रही है प्लेन में सेक्स करना। अच्छा? अपने पार्टनर के साथ फैंटेसी पूरी करने से रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है और कोई चीट नहीं करता। ऐसी बात है क्या? आप कुछ लेंगे सर? वाटर और कॉफी? हाँ एक कॉफी दे दीजिए। नहीं प्लीज, इन्हें कॉफी की स्मेल पसंद नहीं। मुझे एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अमेरिकानो देना और शुगर मत डालना प्लीज। थैंक यू। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, 2 मिनट में आ जाना। क्यों खेल रहे हो उसके साथ? उसे तुम्हारा कार्ड मिल गया, मैं क्या करता? इस पूरी नाटक में तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? हाँ देखो, हमारे बीच जो हुआ वो गलत था। ओ, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। होना था। नहीं चाहिए था, पर जो हुआ अच्छा हुआ।
मुझे मजा आया और किस्मत ही खराब है। हाय स्वीटी, ऑल गुड? टॉयलेट में कोई है? कोई बात नहीं बेबी, लड़के के सेक्स कर रहे हैं। इसका सूट बिल्कुल मेरे सूट जैसा होना चाहिए, समझ गई ना तुम? अच्छा समझ गई। ये सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि हम तीनों की शादी है। आप तीनों बहुत हैंडसम हो। अच्छा, आपके प्री वेडिंग फोटोशूट में ये डॉगी भी होगा, राइट? क्या मैंने सही कहा? हाँ बिल्कुल, हम तीनों होंगे। ओके परफेक्ट। इसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, वो नया वाला फिट है ना, स्लिम फिट। स्लिम फिट, समझ गई। ये आपके मेहमानों की लिस्ट आज सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है? ओ तुम कितने क्यूट हो डॉगी। ये तो ये बेचारा शायद शादी को लेकर नर्वस है। अच्छा मरीना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, ये गे कपल तो बिल्कुल डिपॉजिट नहीं दे रहे यार। हमें पैसे की जरूरत है, तुम वहाँ उन्हें सारी सर्विस देने की कोशिश करो, सब कुछ, चाहे वो पोनीज हो, आइसक्रीम ट्रक हो, मरियाची बैंड हो, सब कुछ। देखो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं हाँ रखती हूँ। ओह आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। ये भी सुनो। हाँ। ओ, हमारा गाना, पिछले साल हम मेक्सिको गए थे तो ये गाना रिपीट पर सुन रहे थे, तुमने सुना है? नहीं मैंने ये गाना नहीं सुना। आपके इंतजार की घड़ी बस अब खत्म। मरीना आराम से। हाँ। कुछ ही देर में आपका फेवरेट बैंड यहाँ परफॉर्म करने वाला है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। मैं सोच रही थी कि उन्हें इस बैंड को शादी में प्ले करने के लिए बुलाए। मेरा मतलब है हम टेनरिफ में है तो कम से कम हम उनसे बात कर सकते हैं। एक सेकंड मैं कुछ करती हूँ। प्लीज आके रोड पर देखो। इरीन मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। यहाँ पर टेनरिफे में एक ग्रुप है जिसका नाम है कैरोलिना दुरांते। एलेक्सिया चाहती है वो उसकी शादी में प्ले करे। तुम उनके मैनेजर के साथ हमारी मीटिंग करा सकती हो प्लीज? थैंक यू सो मच, रखती हूँ। आपका हुक्म सर, आंखों पर संभल कर। ओह सॉरी सॉरी, वो टर्न मुझे दिखाई नहीं दिया। ये लो, हम लोग पहुंच गए। शुक्र है एक पीस में पहुंचे। पापा मैं शादी कर रही हूँ। मेरा बच्चा खुश है ना? अरे बहुत जल्दी पहुंच गए तुम लोग। हाँ सही सलामत पहुंच गए। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो। पता है हमारे जमाने में एक रिवाज था, लड़का लड़की को प्रपोज करने से पहले उसके बाप को मनाता था। सुनिए पापा, ये है मरीना, हमारी वेडिंग प्लानर। हेलो। अरे उसकी मदद करो, वो अकेले बैग उठा रहे हैं। नहीं नहीं मैं उठाता हूँ ना। अरे रुको रुको मैं उठाता हूँ। खूबसूरत लड़कियाँ इतना वजन नहीं उठाती हैं। थैंक यू। आओ चलो अब अंदर चलते हैं। जी ठीक है, मैं लेता हूँ। लाइए मुझे दे दीजिए। तो घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है और व्यू तो उससे भी अच्छा है। देखो यहाँ से माउंट टाइडे साफ दिख रहा है। बहुत सुंदर है। आप क्या पूरा साल यहीं पर रहते हैं? हाँ ज्यादातर, बाकी वक्त अपने होटल्स में गुजारता हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, या तो हम पहले मिल चुके हैं या टीवी पर देखा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, टीवी पर नहीं। पापा हम एक ही स्कूल में थे, याद है आपको? अब याद आया, तुम तो गोरिला हो। पापा उस नाम से मत बुलाइए, हम बड़े हो गए। कोई बात नहीं। हाँ हाँ इतने बड़े और खूबसूरत हो गए हो कि पहचाने नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच। तुम्हें गोरिल्ला बुलाते थे? नहीं बस कुछ बच्चे चिढ़ाते थे। सब बच्चे इसे इसी नाम से बुलाते थे। एक्चुअली बचपन में मरीना के बॉडी पर कुछ ज्यादा ही बाल थे। इतने ज्यादा नहीं थे। अच्छा इसकी वेडिंग प्लानिंग इसकी एक्टिंग की तरह तो नहीं है ना? तुम्हें वो प्ले याद है जिसमें तुम स्टेज पर आते ही सब कुछ भूल गई थी? उस बात को भूलने के लिए मैंने थेरेपी ली थी, पर आज सब कुछ वापस याद आ गया। अच्छा मेरा रूम कहाँ पर है? हाँ ऊपर राइट में सेकंड वाला। ठीक है मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा आधे घंटे में तैयार हो जाना, हमें मेन्यू टेस्टिंग के लिए भी जाना है। ओके मैं आती हूँ। एक्चुअली मेरे डिजाइन्स में जो आउटडोर और इंडोर लुक है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे डिजाइन्स अच्छे लगे, ये मॉडर्न है और मेरे होटल्स के लिए अच्छे हैं। आओ बैठो। देखो कार्लोस, एलेक्सिया मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। वो ऐसा आदमी डिजर्व करती है जो होशियार हो और उसका ख्याल रखे। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा अगर तुम साबित कर सकते हो कि तुम उसका ख्याल रख सकते हो तो मैं तुम्हारे स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, फिर मेरे होटल्स डिजाइन करना।
चलो ऑल द बेस्ट, चलता हूँ। तैयार हो? हाँ, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। ठीक है। ये बॉटल्स मुझे मेरे दादाजी से मिली थी। ये 1926 की पेट्रस और ये 1966 की मॉन्ट ब्लांक। ये सबसे खास 1958 की एंग्लस। आज इनकी कीमत तो बहुत होगी ना? वो तो है, पर कीमत बताऊंगा तो सोचोगी कि दिखावा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। 6 लाख यूरो। यहाँ की शेफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे मिशलिन स्टार मिला है। वो ऐसी शेफ है जो पूरे दिल से खाना बनाती है। आपको जरूर पसंद आएगा, मैं उससे अभी मिलकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हे मरीना, क्या बात है, तुम आ गई, कैसे हो डियर? मैं ठीक हूँ, बहुत दिन बाद मिले है ना। सुना हुआन हूँ और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बहुत ही हरामी आदमी। हम दोनों का पैचअप हो गया है। उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। जब से वो वापस आ गया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं शांत हो गई हूँ, गुस्सा कम आता है। उस मछली में मुझे एक भी कांटा दिखाना तो तेरी आंखें नोच लूंगी, समझ गए? कोई बात नहीं। वैसे तुम मैं, बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हें प्यार हो गया है ना? नहीं, सच सच बताओ। नहीं, नहीं, मुझे नहीं। कौन है वो लकी लड़का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने है बूब्स की सर्जरी करवाई है ना? नहीं, नेचुरल है। सच बताओ की है ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। परफेक्ट कैसे है ना? चलो बताओ क्या पक रहा है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। तुम्हें तो पता है हमारे किचन में सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा तुम इससे मिलो, ये मेरा क्लाइंट है कार्लोस। हाय, मिलकर अच्छा लगा। हाय, मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। ये किचन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे फिर गाली खाओगे? कितनी बार कहा है मीट को इस तरह से सर्व नहीं किया जाता? अपने बाप पर गए हो। चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत क्या नहीं है। बताओ। सुनो मरीना। हाँ बोलो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पर अचानक माफी क्यों? जब मैंने खुद को तुम्हारी जगह रख कर देखा तो समझ में आया कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल है। इट्स ओके कार्लोस, ज्यादा मत सोचो। सॉरी, उस रात जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। अच्छा, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं मतलब देखो, तुम्हें अच्छा लगा देखो कार्लोस, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे उस रात अच्छा लगा, पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ना तुम पसंद हो मुझे। देखो ना तुम मुझे फिजिकली पसंद आए, ना मुझे ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। सॉरी पर मैं ये बातें क्लियर रखना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम एलेक्सिया से इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम उसे सच नहीं बता पा रहे हो, है ना? आई एम सॉरी। देखो देखो, मैं मेरी उससे शादी करने की ये वजह बिल्कुल भी नहीं, नहीं है। नहीं बिल्कुल, तुम्हें उससे प्यार है और इसलिए तुमने उसे चीट नहीं, किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कभी चीट नहीं किया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लड़के लड़कियों को चीट करने पर अक्सर ऐसा सोचते हैं। तुम चीट तो कर लेते हो पर लाइफ में कभी मानते नहीं कि तुमने चीट किया है, बस उसे छुपाते रहते हो। फिर तुम बहाने बनाते हो कि उस रात मैंने ज्यादा पी ली थी, मैं होश में नहीं था, गलती से हो गया है। उस रात मैंने वो सब क्यों किया था? हाँ बताओ मुझे। जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा यही अच्छा मौका है क्योंकि शायद फिर तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। देखो देखो, अब तुम्हारी नई नई कहानियां पक रही हैं, है ना? सुनो, उस रात जो भी हुआ बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी वजह से मैं एलेक्सिया को नहीं छोड़ूंगा। ओके, सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। पक्का क्लियर है ना? एकदम पक्का। ठीक है, तुम्हारी तरफ से क्लियर है? हाँ बिल्कुल। खाना तैयार है, चलो टेस्ट करें। देखो मरीना, ये डिश पम्पकिन सीड्स से बनी है और थोड़ी सी स्पाइसी है, याद रखना। अच्छा, वो तीखा खाते हैं? हाँ खाते हैं। ये अंदर जाते वक्त भी चलेगा और बाहर आते वक्त भी। है सुनो, मैंने ब्रेड क्रम्स लाने को कहा था। सॉरी मैं अभी आई। रुको इसे रहने दो, मैं ले जाती हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊंगी। हाँ मैं ये सब झेल रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, समझ गए? लीजिए, आपका खाना तैयार है। वाओ, ये है क्या? ये डिश पम्पकिन सीड से बनी है और ये थोड़ी सी स्पाइसी है। कार्लोस तुम मत खाना, ये बहुत तीखा है। नहीं एलेक्सिया बेटा, तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो या माँ हो? हमारा दामाद असली मर्द है, थोड़ा तीखा तो खा ही सकता है ना? चलो शुरू करो। ये डिश बहुत टेस्टी है। एक और फोक दूं तुम्हें? नहीं मैं बस वाइन लूंगी। पक्का? थैंक यू। कैसी लगी ये डिश? बहुत स्वादिष्ट है, इसमें थोड़ी और मिर्ची होती तो और मजा आता ना खाने। देखो तुम चाहो तो हम इसमें और चिली सॉस डाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मरीना और कुछ बताओ, तुम्हारी शादी हो गई?
नहीं। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या लड़का ढूंढ रही हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ऐसा तो नहीं कि फेमिनिस्ट हो इसलिए अकेले रहना है? ओ, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे दरअसल खुश रहने के लिए किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। कोई मिल जाएगा? अब तक जितने मिले हैं सबके सब गधे निकले हैं। दोनों हंसती हुई अच्छी लग रही हो, बचपन में दोनों में बहुत दुश्मनी थी। नहीं नहीं, हमारी स्कूल में भी अच्छी दोस्ती थी। ऐसा नहीं था, स्कूल में हम सब तुमसे नफरत करते थे मरीना, पर अब सब बदल गया है और हम दोस्त हैं, है ना? वो तो है। कुछ दिनों से मैं लाइफ के बारे में बहुत सोच रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि हम बहुत ही जल्दी माँ बाप बनने वाले हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। नहीं? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं 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 नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें और नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं, खाने दो, जितना है सब खत्म कर दो। डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने मना किया है? डॉक्टर की कौन सुनता है, वो तो सबको जीने से मना कर देते हैं। चलो उठो, सब चीयर्स करो मेरे पोते पोते और होने वाले पेरेंट्स को भी। कंग्रेचुलेशंस। सही कह रही हो, कंग्रेचुलेशंस। तो बताओ, तुमने गैस छोड़ी? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे शायद उस डॉक्टर ने सही कहा था, तीखा नहीं खाना चाहिए था। मुझे अभी वॉशरूम जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी आता हूँ। क्या था ये? डॉक्टर ने इसे कई बार मना किया है और फिर भी उसने तीखा खा लिया। इरीन, हाय, कैसी हो? मुझे फैसला लेने से पहले तुम्हारी सलाह लेनी थी, पर यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है और मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ, टेक केयर, बाय। गुड नाइट अंकल अर्तुरो। गुड नाइट। अच्छा रुको, सुनो, इधर आओ। कुछ ही साल पहले बच्ची थी, अब शादी करने जा रही है। एलेक्सिया रुको। हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल बात कर सकते हैं प्लीज? कार्लोस की तबीयत खराब है और उसकी हालत। इतना तीखा तो नहीं था, हमने भी तो वही खाया। लूज मोशंस बंद हो गए, उल्टी कर रहा है। चलो चलती हूँ। गुड नाइट। ये तुम हो ना? नहीं, ये डायर है, ये इंडिया से यहाँ पर पढ़ने आया था। दरअसल हम दोनों बचपन में एक जैसे दिखते थे। क्या दिन था, इस दिन हम सेलिंग करने गए थे, तुम्हें याद है ना? ये बचपन से समंदर से बहुत डरती थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। किसी को नहीं पता है, वो बताती भी नहीं है। अच्छा, उसे बताना मत तुम्हें पता है, वरना वो मार डालेगी मुझे। नहीं नहीं, वो बात पुरानी हो गई है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों अब एक दूसरे से बात करते हो। मैंने उसे समझाया था ऐसे किसी का नाम नहीं रखते। कौन सा नाम? मरीना गोरिला। अच्छा, उसने रखा था क्या? सच में? तब तुम भी बच्ची थी, भूल जाओ। अच्छा चलो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मरीना है गोरिला, बचपन से ही मेरी बेटी क्रिएटिव थी। Finding Limo. Limo होता है क्या? हाँ, नाम क्यूट है ना? हाँ ठीक है। बेबी बताओ कैसा लगा? पता नहीं, बोट पर शादी करना ठीक होगा या नहीं? हाँ, आजकल बहुत लोग बोट ही प्रेफर कर रहे हैं, बहुत क्लासी लगता है। तो ये क्लासी लोग शादी करते हैं ऐसी बोट पर? नहीं, ये बोट सिर्फ हमें पानी में ले जाने के लिए है। हम एक शानदार रूट लेंगे, किनारे पर जाएंगे और वहाँ से फिर। इस बोट का नाम है क्रिस्टीना। हाँ, मेरी बीवी के नाम पर है। ओ, अच्छा। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा रास्ता, रोशनी, सारी कमाई सब क्रिस्टीना पर निर्भर है। इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ।
बस थोड़ा सा और, रुकिए मैं। नहीं, आ गया। तुम्हें जादू दिखाऊं? डर गई। बस ऐसे ही कभी कभी मजाक करता हूँ। कॉल आया, शायद बीवी का होगा। हम पूरा दिन बात करते हैं, हर एक पल। एक मिनट जरा बात कर लेता हूँ। अच्छा है ना? हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर पे ही हूँ। आई लव यू बेबी। ठीक है, आते समय मेरा सामान लेते आना। क्या? भूलना मत। सच कहूँ तो मुझे आदमी बहुत अजीब लग रहा है। अरे समंदर से जुड़ा आदमी है, हवा की तरह है, जहाँ बोलोगे बह जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे अरे शांत हो जाओ, मैं अभी बस लेकर घर आता हूँ, फिर आराम से बैठ कर बात करते हैं। बात तो सुनो। अरे सुनो तो, हद हो गई। सुनो, कैप्टन सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। वो मेरी बीवी और मेरे बीच झगड़ा बहुत होता है, इसी को तो प्यार कहते हैं। ये तो, चलो बोट पर चलते हैं। चली? चलो आ जाओ, सब तैयार। अर चलो चलते हैं। क्रिस्टीना, कब से कॉल कर रहा हूँ, मुझे तुमसे लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज मेरा फोन उठा लो क्रिस्टीना। चलो रखता हूँ, आई लव यू। अरे देखो देखो, मौसम खराब है, बोट को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, फिक्र मत करो, हम किनारे के पास ही रहेंगे, ठीक है? तुम ठीक हो बेबी? बाहर धूप है, मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे जाकर देखना चाहिए। बेबी मैं आ रहा हूँ। कैप्टन, तुम कुछ देर पहले उदास लग रहे थे, घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? ये बोट सेफ है ना? ठीक है मरीना। आती हूँ। हे तुम लोग नीचे ठीक हो ना? मरीना, ये बोट कुछ ज्यादा ही नहीं हिल रही है। इतना हिलना तो नॉर्मल है। मुझे क्यों लग रहा है कि हम तूफान की तरफ जा रहे हैं? तूफान? कौन सा तूफान? देखो शांत हो जाओ, तुम लोग छोटी छोटी बातों पर घबराना बंद करो। मैं कैप्टन से बात करके आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ कैप्टन, हम इतना हिल क्यों रहे हैं? क्या मतलब मिनोरो के साथ सो रही हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा। देखो मजाक मत करो बेबी, ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्रिस्टीना प्लीज फोन मत रखो, क्रिस्टीना फोन मत रखो प्लीज। गाइस मैं खबर लेकर आई हूँ। तुम लोगों को क्रिस्टीना याद है, कैप्टन की बीवी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है? वो उसके दोस्त मिनर्वो के साथ सो रही है। मेरी बोट में और लोग भी हैं, मैं सबको ले डूबूंगा। मिनर्वो का नाम सुनकर मैंने भी ऐसा ही चेहरा बना लिया था। आज हम नहीं बचेंगे। पता नहीं ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरा दिमाग खराब था जो मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आई। मरीना प्लीज कुछ तो करो, मैं वेडिंग प्लानर हूँ, कोई जादूगर नहीं। वो तुम्हारा दोस्त है ना, तो कहो उससे कि हमें वापस ले चले। संभल कर। मरीना तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लगता है मुझे कैप्टन से बात करनी होगी। मुझे अकेला, मुझे डर लग रहा है। अरे प्लीज प्लीज हमें वापस ले चले। जीना नहीं चाहता। अरे हम जीना चाहते हैं, वापस चलिए ना। नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तुम बीवी के प्यार में पागल हो गया है, अगर मैं बच गई तो तुम पर केस कर दूंगी साले। अरे भाई वापस ले चल। मैं लौटना नहीं चाहती। अरे अरे बेबी रुको, क्या कर रही हो? कैप्टन हमें यहाँ से वापस ले चलो। नहीं, अपने परिवार के लिए और अपने दोस्तों के लिए जियो। मेरा एक ही दोस्त था और वो मेरी बीवी के साथ सो रहा है। क्या कहा? हम 3 साल की उम्र से दोस्त थे। अरे एक कैसा दोस्त है जो अपने बचपन के दोस्त की बीवी के साथ सो रहा है? क्या खतरा है? अंदर जाओ प्लीज, अंदर जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है, मेरी बात को समझो।
मेरी बात सुनो कैप्टन, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप ना अपनी खुशी सिर्फ एक इंसान में ढूंढते हैं और वो इंसान आपकी धोखेबाज बीवी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यही एक मौका है, यही बिल्कुल सही मौका है। इस दुनिया में ना और भी बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, जरूरी ये है कि आप उनसे लड़ते कैसे हो। हारेंगे, गिरेंगे, लड़ेंगे। चलो प्लीज 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 हमें ले चलो यहाँ से। मैं सच में पागल हूँ, आज मैं सबको मार देता। तुमने हम सबको बचा लिया। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ है उन सभी चीजों को पीछे छोड़ दो। तुम्हें जिंदगी में अभी बहुत लोगों से मिलना है और बहुत आगे बढ़ना है और तुम जरूर कामयाब होंगे। बस ये चश्मा उतार दो, तुम पर अच्छा नहीं लगता। क्या लड़की है, बहुत हिम्मत वाली है। अच्छा तुम मेरी एक और बात मानोगे? क्या? कपड़े धोया करो, ठीक है? समझ गए ना? मरीना, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एलेक्सिया, देखो बोट पर जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए था। ओ नहीं, तुम्हें थोड़ी पता था ऐसे कुछ होगा। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे कुछ और बात करनी है। समंदर। मैं इस समंदर से पूरी जिंदगी डरती रही, पर आज मेरा सारा डर चला गया और वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार अपने डर का सामना किया। अच्छा है ना, तुम्हारा डर चला गया? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? बचपन में तुम्हारा वो भाई हादसा निकनेम मैंने रखा था। अच्छा, वो तुम थी? मैंने तुम्हारी सीट पर ग्लू लगाई थी, मरीना गोरेला गाना भी मैंने ही बनाया नहीं, था। नहीं, कोई बात नहीं एलेक्सिया, नहीं, नहीं, वो पुरानी मरीना, बातें हैं। मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। ग्लू की बात तो मैं भूल ही गई थी, और वो क्या, मैं पिछली सारी बातें भूल चुकी हूँ। तो हाँ, मैं सच कह रही हूँ, सब ठीक है। सच में? हाँ, सब ठीक है। पता नहीं मैं तुमसे कितने दिनों से ये बात करना चाहती थी। ऐसा लग रहा है कोई भार सर से उतर गया। जानती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना। हमें पार्टी करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं। लेकर आओ। हाँ, रुको, हाँ, ले आती हूँ। पापा एक मिनट आइए ना। कार्लोस, ओह ये मेरी फेवरेट है। हाँ बेबी, ये ठीक है? हाँ मुझे ये पसंद है। हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी कर रहे हैं क्या? हाँ। आज स्पेशल क्या है? बस इस लाइफ को थैंक्स कहने के लिए। हाँ बिल्कुल, इस जिंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अरे उसकी मदद तो करो। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ मैं करता, लेकिन वो खुद कर सकती है। भी मदद करो प्लीज, कम ऑन। ठीक है लाओ, मैं करता। नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैंने कही कहा तो करना पड़ेगा। शैंपेन की बॉटल अभी तक खोली है तो रहने दो, मैं कर लूंगी। छोड़ दो कार्लोस, काम में एक्सपर्ट हूँ। बेबी उठो। तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठ जा। तुम ठीक तो हो? एलेक्सिया पता नहीं कैसे वो तुम्हें आकर लग गया। इसे चक्कर आ रहे हैं। देखो ना इस तरफ, इसकी नाक भी लाल हो गई है। बेबी तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, रास्ता दो उसको, पहले सामने से हट जाओ। हाँ मैं कुछ नहीं, ठीक तो हो? बेबी 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 कुछ तो बोलो, क्या वो होट होट ऊपर नीचे करके बोलते हैं ना? अच्छा अच्छा, क्या बात है? मुझे मुझे बताओ क्या क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम्हारी गलती नहीं है, सॉरी मत बोलो। हाँ मरीना एक मिनट हटो, बेबी मेरी बात सुनो, यहाँ पर भी अच्छे डेंटिस्ट हैं। मुझे मैड्रिड जाना है डॉक्टर गोंजालेस के पास। अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम पीछे बैठो। तुम और मरीना जाकर बैंड मैनेजर से मिलो, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ लेकिन बेबी मेरी बात तो सुनो, मैं साथ चलता हूँ ना। देखो कल हमारी प्रीस्ट के साथ मीटिंग है, चलो मुझे एक किस दो। ठीक है, नहीं
ठीक है, एक काम करो, ये दांत साथ ले चलो, एक मिनट जरा मेरी बात सुनो। चलो जी बताइए। ऐसे संभालोगे मेरी बेटी को? याद रहे अगर उसकी शादी में उसका मनपसंद बैंड नहीं आया तो ये शादी भी भूल जाना और कॉन्ट्रैक्ट भी। अरे लेकिन ये सब तो गलती से हुआ, उसने जानबूझकर नहीं किया। अरे अलेक्सिया तुम जानती हो ना ये गलती से हुआ है बेबी। हाँ, कोई बात नहीं, सॉरी बेबी, पर तुम्हारे ही डैड कह रहे थे बॉटल खोलने में उसकी मदद करो। मैंने कहा ये सब क्या हो गया, जब उसे लगी तो मैं उसका दर्द महसूस कर पा रही थी, मुझे सच में बुरा लगा। पर उसके दांत आसानी से लग जाएंगे, वो लोग एक स्पेशल पेस्ट यूज करते हैं। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मरीना। पहले वो रेस्टोरेंट, फिर वो बोट, और आज तुमने अलेक्सिया के दांत तोड़ दिया। ये गलती से हुआ था कार्लोस। अच्छा ठीक है, तो बोट पर जो हुआ उसका क्या? पता नहीं क्यों मरीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी शादी तोड़ना चाहती हो। अगर मुझे तोड़नी होती तो मैं कब की तोड़ देती। क्या कहा? हाँ तुमने जो कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। देखो तुम्हारी शादी दो दिन भी नहीं टिकने वाली कार्लोस, आई एम सॉरी पर मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा तो शादियाँ करा करा के तुम खुद एक वेडिंग एक्सपर्ट बन गई हो क्या? हाँ एक तरह से यही समझ लो। अच्छा तो एक्सपर्ट साहिबा ये बताइए, आप किसी रिलेशनशिप में क्यों नहीं है? सच तो ये है कि तुम बस कहती हो कि तुम्हें शादी पसंद नहीं है, कभी नहीं करनी, लेकिन तुम्हें भी एक अच्छी रिलेशनशिप की उतनी ही जरूरत है जितनी की मुझे है, समझी? जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है मरीना, तुम दूसरों की लव लाइफ को जज करना अच्छी तरह से जानती हो, पर तुम नहीं जानती कि तुम्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। इरीन तुमने बैंड के साथ आज मीटिंग फिक्स कर ली ना? हाँ रात को उनके मैनेजर के साथ मीटिंग फिक्स हुई है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। इरीन तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। कुछ भी नहीं। देखो किसी भी म्यूजिशियन में सबसे जरूरी चीज है जज्बा, समझ गई ना? है? किसी में होता है किसी में नहीं होता है, पर एक बात मैं समझ गया हूँ कि तुम में वो बात है। नहीं। गुड इवनिंग सर, आपका नाम राहुल गुजमान है ना? पहले आप ये बताइए आप कौन है? मैं हूँ मरीना और ये कार्लोस है। हमने दरअसल आज एक शादी के लिए मीटिंग फिक्स की थी। आज सैटरडे है, मैं भूल ही गया था। हाँ आज ही हमारी मीटिंग तय हुई थी। माफ करना लेकिन आज मैं बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ, मंडे को मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। शकीरा कौन है? शकीरा कमाल है, मैंने ही उसे वका वका का आइडिया दिया था। कुछ भी वो तो करना चाहती थी ताका ताका। अरे बात करो ना, आज ही बुक करना। अब मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। डैडी मुझे कच्चा चबा जाएंगे, प्लीज तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अच्छा रुको, फाइनली वका वका। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा मैं बीच में बोल रहा हूं, मैं जानता हूं ये सही टाइम नहीं है, पर मेरी गर्लफ्रेंड कैरोलिना की बहुत बड़ी फैन है और वो चाहती है कि वो हमारी शादी में प्ले करे। तुम चाहती हो तो तुम बोलो ना। नहीं नहीं मैं तो इनकी वेडिंग प्लानर हूँ। हाँ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पूछने आना चाहिए था ना, अब जाओ। नहीं नहीं वो नहीं नहीं ये मेरी फियांसे है। हाँ हाँ मैं ही गर्लफ्रेंड हूँ, ब्राइड भी मैं हूँ, वेडिंग प्लानर भी मैं हूँ, अपनी शादी खुद करनी पड़ रही है। आजकल सब कुछ चलता है, औरतें सब कुछ कर सकती हैं। क्या बोल रहे हो? तो तुम अपनी शादी खुद प्लान कर रही हो? सुनने में अजीब लगता है ना। हाँ, लेकिन अब जो है सो है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों की आपस में कुछ खास बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती है। सही कहा ना, मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं, मैं पैसे नहीं देखता, अब मैं जो देखता हूँ वो है दिल में प्यार है, और तुम में प्यार नहीं है। मैं रोमांस कहीं भी पहचान लेता हूँ, है ना? मेरी बात तो सुनिए प्लीज राहुल, मैं इससे प्यार करती हूँ सच में, और ये भी हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको कैसे साबित करूँ? हम Yes. ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे दो मिनट दोगी? बस दो मिनट? मुझे क्या है, मेरा तो फायदा ही है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग बैठो। थैंक्स। आ जाओ देखते हैं। वैसे मैं एक टेस्ट लूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग प्यार करते हो या नहीं करते। टेस्ट पास हो गए तो आगे बात करेंगे। वाह क्या माल है, चलो तुमसे शुरू करते हैं। हाँ, तो हाँ। जब तुमने इसे पहली बार देखा था तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया था? हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी। पता नहीं मुझे मुझे ये सुंदर अच्छा। लगी थी। तुम्हें बस इसकी खूबसूरती से प्यार हुआ? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ? देखो मुझे खुलकर बताओ, अपना दिमाग मत लगाओ, जो दिल में चल रहा है वो बताओ प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। पर आप ही ने तो कहा जो पहले दिमाग में आए वो बोलो। मैं भी ना, जहाँ प्यार देखता हूँ वहाँ सब भूल जाता हूँ। चलो इसकी आंखों में देखो। ठीक है, याद करो जब तुम पहली बार मिले थे, और अब दिमाग से नहीं दिल से बताना। जोर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो बोलो। ठीक है बोलता हूँ।
तो जिस दिन मैं इसे मिला, मुझे नहीं इसे देखो, आंखों में आके डाल मुझे देखो। हाँ अभी देखता हूँ। तो ये डर गया। एक्चुअली हम दोनों किसी की शादी में मिले थे और तुम वेडिंग प्लानर थी। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, पहले ब्राइड नहीं आई और फिर आग लग गई थी, तुमने उस पर वाइन डाल दी थी और मैं तुम्हें देख रहा था और मैंने सोचा कि अगर तुम जिंदगी में ना हो तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। पहले तो मुझे लगा कि तुम लोगों के करीब जाने से डरती हो, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा शायद तुम्हें बेहतर जानने के लिए मुझे करीब आना होगा। अरे वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये देख रहे हो, अब तुम्हारी बारी, चलो तुम इसकी आंखों में देखो। मेरी बारी है, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मुझे इसका डांस बहुत पसंद है, ये डांस अच्छा कर लेता है। हाँ इसकी आंखें, इसकी आंखों का ब्राउन कलर है, जिस तरह ये मुझे देखता है। जब पहली बार इसने देखा था मुझे लगा ये मुझे पहले से जानता है और मुझे इससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अपनी हर बात बता देती हूँ और ऐसा मुझे पहले किसी के साथ नहीं लगा। अरे वाह, तुम तो वाकई प्यार करते हो। वो तो है। क्या बात है, वाकई कमाल कर दिया तुमने। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। चलो आपको नशा करने का एक और बहाना मिल गया। हा? हाँ ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा अगर आप मान ही गए हैं तो पैसे की बात कर लीजिए। हाँ, वो कर लेंगे, ये लो। ओ, नहीं नहीं मैं स्मोक नहीं करता। इससे ले लो, एक डील के लिए इतना तो कर ही सकते हो। देखो डील के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है पर यहाँ पर कैमरा। कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है, मुझे 15 साल हो गए हैं स्मोक किए हुए। घबराओ मत, ये जॉइंट नहीं है, इसे वॉकिंग डेड कहते हैं। अरे वाह, बड़ा खतरनाक नाम है। वैसे इसे ये क्यों कहते हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी अफीम, एक्सटेसी और पेओटे नाम का ड्रग मिलाया है, फिर इसमें MDMA, केट और मिथ ये सब डाला है ताकि नशा थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ये जानलेवा तो नहीं है ना? या है? नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा पूछने का मन कर रहा है इसे वॉकिंग डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पैर सुन्न होकर टेढ़े हो जाते हैं ऐसे। बहुत ही कमाल का नाम सोचा है। समझ गई, और मत स्मोक करना। बस अगले 5 मिनट में टैक्सी आ जाएगी, ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? स्मोक करने के बाद मेरा दिमाग घूम गया पर ताज़ा हवा में अच्छा लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ एक जॉइंट में इतने सारे ड्रग्स कोई नहीं डालता, वो झूठ बोल रहा था। एक जॉइंट में इतने ड्रग आ ही नहीं सकते। अगर मैंने पूरा जॉइंट फूंक लिया होता तो इस वक्त मैं उड़ रहा होता। हाँ। लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे वो आदमी बहुत अजीब था, नहीं? अजीब तो था, पागल था। वो करीब ना जाने वाली बात क्या थी? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती। अच्छा नहीं, लेकिन आजकल लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आपको खुद को बचाने के लिए एक दायरा बनाना पड़ता है, वरना सबसे पहले वो घर में घुसेंगे, दूसरे ही दिन आपके बाथरूम में अपना टूथब्रश रख देंगे और फिर धीरे धीरे साथ रहने लगेंगे, फिर ब्रेकअप होगा। इससे अच्छा है कि सॉरी मुझे ये अभी नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं ये सब बेकार की बातें करके तुम्हें डिप्रेशन में डाल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इससे डिप्रेशन नहीं होता। वैसे जानना चाहती हूँ डिप्रेशन किस चीज से होता है? हाँ बताओ मुझे। ठीक है, किसी को बताओगी तो? नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। वसेक्टमी पता है? वही जिसे नसबंदी कहते हैं। हाँ वही, जिसमें। तो तुमने नसबंदी कराई हुई है? पर क्यों? क्योंकि अलेक्सिया को बच्चे चाहिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए और अच्छा। मैंने ही मुझे नसबंदी वाले डॉक्टर का नंबर दिया। नसबंदी तो करा ली लेकिन अलेक्सिया को बताया? आई एम श्योर बताया ही होगा। तुम उससे कुछ कैसे छुपा सकते हो? मुझे नहीं लगता। नहीं। उसे इस बारे में नहीं पता? नहीं। बापरे। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बिना पूछे नसबंदी करा ली, वो भी अपने दोस्त के कहने पर। वैसे मैं बता दूं इसे रिवर्स किया जा सकता है। चलो हमारी टैक्सी आ गई। आई एम सो सॉरी। वैसे इतना भी फनी नहीं है। ओके जानती हूँ, सॉरी।
यू। आ जाओ। ये कौन सी जगह है? दरवाजा खोलो। अरे तुम ठीक हो? हाँ ठीक। पक्का? अच्छा देखो ना, सो जाते हैं, कल बहुत सारा काम करना है। गुड नाइट। ये कितना टेस्टी है। क्या टेस्टी है? देखो ना कितना सॉफ्ट है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या हो रहा है? ओ हेलो अंकल, आप इतनी देर तक जाग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ देर पहले एयरपोर्ट से आया, नींद नहीं आ रही थी तो जाग रहा हूँ। ओह हाँ, अब एलेक्सिया कैसी है? जब तक हंसे ना ठीक है। आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। व्हाट्सअप ससुर जी। हम लोग पूरा दिन टैक्सी में घूम रहे थे तो इसे मोशन सिकनेस हो गई है, बस इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं कैसी हरकतें कर रहा हूँ? नहीं नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है तुम पर उस जॉइंट का असर होने लगा है। प्लीज तुम अपने, अरे नीचे मत बैठो, खड़े हो जाओ। ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक नंबर, बिल्कुल कड़क। पक्का? देखो तुम आज की रात बस अंकल से दूर रहो। नहीं 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 नहीं, दूर नहीं, उन्हें उन्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कार्लोस प्यार करता हूँ। मरीना एक मिनट। सुनो कोई उल्टी हरकत मत करना। मुझे बताओ कार्लोस को क्या हुआ, ठीक तो है वो? हाँ बस थोड़ा घबराया हुआ है, शादी हो रही है, घबराना तो आम बात है, थोड़ा नर्वस है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बस वही सब। हाँ ये तो होता ही है। अच्छा वो उस बैंड का क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ उस बैंड का मैनेजर थोड़ा टेढ़ा था, पर एंड में हमने उसे मना लिया, अब बस पैसे की बात करनी है और वो काम तो एलेक्सिया ही करेगी। हाँ, जैसा उसे चाहिए हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। कैरोलिना दुरांते बहुत फेमस बैंड है, बहुत ही अच्छा और फेमस म्यूजिशियंस है। हाँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। ठीक है ध्यान से जाइए। ये लड़का कहाँ चला गया? वो तो सोने चला गया, उसे बहुत नींद आ रही थी इसीलिए। अच्छा चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अरे 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 तुम ठीक हो? मुझ पर ऐसा रोग है, मैं उड़ रहा हूँ। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, आराम से आराम से उठ जाओ। ये लो। शुक्रिया। अब ठीक लग रहा है? वाह, पता है अब जाकर मैं अपने पैरों को फील कर पा रहा हूँ। चलो धीरे धीरे असर उतर रहा है। वैसे मरीना, अंकल को संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने होश खो दिया। हाँ ठीक है, तो मैं जाकर सो जाती हूँ। हाँ पर... अच्छा तुमने जो होटल में कहा था वो डील फाइनल करने के लिए जो मेरे मन में आया बोल दिया। हाँ वैसे मैंने भी झूठ ही बोला था। हाँ पर तुम्हारा झूठ बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था। क्या कह रहे? क्या कर रहे हो? क्या तुम किस करने आ रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों है ना? नहीं नहीं, नहीं। हाँ कार्लोस, तुम मेरे करीब आए और तुम्हारा मुंह बिल्कुल ऐसा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं था वो, मैं कार्लोस बस... मुझे पता है कि तुम मुझे किस करने आ रहे थे। नहीं मरीना देखो मैं बस उठने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें किस करने आ रहा हूँ, पर ऐसा। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा तुम शायद उठने के लिए बस थोड़ा। अच्छा जो करना है कर लो, बस तुम मुझे किस मत करना। लेकिन मान लो किसी वजह से मेरा तुम्हें किस करने का मन होता तो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती? हाँ मतलब कुछ दिन में तुम्हारी शादी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के डैड हमारे साथ एक ही घर में है। हाँ। तो हाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि मुझे एलेक्सिया के साथ नहीं रहना है तो? क्या हाँ मतलब मैं एलेक्सिया को छोड़ने वाला हूँ? नहीं 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 नहीं
एक मिनट कार्लोस, ये गलत है कार्लोस, तुम ब्रेकअप नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें आखिर तुम्हें हो क्या गया है, चुपचाप बैठ जाओ। मैंने आज शाम को ही तुम्हें टूथब्रश वाली स्पीच दी और अब वही चीज तुम एलेक्सिया के साथ कर रहे हो। हाँ आखिर उस स्पीच का क्या फायदा हुआ? नहीं तुम मेरी बात सुनो, सुनो तुम चुपचाप एलेक्सिया के साथ शादी करो और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तुम वही रहो। अरे सुनो तो। बैठो वहीं। प्लीज पहले धक्का देना बंद करो। ओके सॉरी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तो है जल्दी बताओ। मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा, कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। मैं पिछले कई हफ्तों से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मरीना, लेकिन नहीं हुआ। प्लीज मेरी बात समझो, तुम्हें अपने दिल और दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं है। अलेक्सिया आ गई है। क्या? कहाँ है? जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाओ पहले जल्दी। ये तुम्हारा है? कपड़े पहनने का टाइम नहीं है, झुको झुको जल्दी। अरे बेबी, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। हमें प्रीस्ट के पास जाना है। चलते हैं ना। अरे क्या बात है, वो ठीक हो गए? तुम्हें इन्हें किस करना है? ओए क्या हुआ? तुम्हारा दांत लगा। सॉरी नए है ना। मैं आ गया। एक किस। ओए कार्लोस। ये कौन आया? तू यहाँ क्या कर रहा है यार? मुझे देखकर खुश नहीं है? नहीं हूँ बिल्कुल। फ्लाइट सस्ती पड़ रही थी तो सोचा आ जाऊँ। तुमसे इसे मिलने का बहुत मन था। अब आएगा ना तेरी शादी में असली मजा। तुम दोनों साथ में? अरे रुक जाना, पहले तेरा रूम तो अच्छे से देख लेता हूँ। क्या बात है। अरे वाह, अरे तेरी तो चांदी होगी। कार्लोस मेरे दोस्त, मेरे भाई। नहीं वहीं पर रुको, वहीं पर रुक जाओ। यहाँ से मुझे कुछ बहुत ही खास दिख रहा है। तुम्हारी ये प्यारी आंखें और आंखों में ये चमक, चमकती आंखें, चमकते हुए नए दांत। तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। मुझे जाने दो। नहीं, मेरे पास आओ। मैं आज बहुत ही खुश हूँ, सच में इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। सच में बहुत खुशी हो रही है मुझे, तुम दोनों की शादी हो रही है। हाँ लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों शादी कर कहाँ रहे हो? बोट में। अच्छा, बोट में। वाह, आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है बोट में शादी करना। अच्छा तुम्हें पता है बोट में और किसकी किसकी शादी हुई थी? किसकी हुई थी? टाइटैनिक के हीरो की। बहुत ही खूबसूरत शादी थी। अच्छा तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे? वैसे टाइटैनिक पिक्चर तो बहुत ही अच्छी थी। यार हो तो वैसा हो, तो वरना ना हो। हाँ सही कह रहा है। हाँ क्योंकि मैंने बचा लिया। चलो ना यहाँ से चले, चलकर एक आध ड्रिंक पीते हैं। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मुझे भी लगी है। एक तो मैंने सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया और अब तक कुछ खाया नहीं है। सोच रहा हूँ वाइन पी लो। अब ये वाइन पीने का सही टाइम नहीं है यार, खा बाद में लेंगे। पहले मुझे टेरेस तो दिखाओ यार। तुम्हें देखना है? हाँ चलो आ जाओ। वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हारे टेरेस से ये माउंट गेट बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। कितना सुंदर लगता है यार। वाह क्या नजारा है। ये क्या हुआ? ओह ये आवाज कहाँ से आई? ये तुम लोगों ने क्या किया? कैसे हुआ ये सब? हम तो अभी यहाँ आवाज सुनकर आए। बहुत नुकसान हुआ। ये तुम्हारा है? हाँ? क्या ये तुम्हारा है या नहीं? हाँ। अच्छा हाँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुमने मेरे घर में गैस छोड़ी, फिर मेरी बेटी का दांत तोड़ा, और अब ये, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। पापा क्या कह रहे हैं आप? तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे। पापा कार्लोस तू आ जा मेरे साथ। कार्लोस मेरे साथ बाहर था, वो ये गिरा ही नहीं सकता। ये भी तो हो सकता है कि वो हवा से गिरा हो। आप जिस तरह मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा पति भी ऐसे ही करे। आप मेरे डैड हैं, आपको मुझसे प्यार है राइट? उसी तरह इसे भी मुझसे प्यार है, उसे मेरी फिक्र है, इसलिए मैं उससे शादी कर रही हूँ।
तो प्लीज उसे हर बात पर जज करना बंद कीजिए, वरना अपनी इन पुरानी वाइन बॉटल्स के साथ साथ आप एक दिन अपनी बेटी भी खो देंगे। और अब अगले आधे घंटे में हम प्रीस्ट से मिलने जाएंगे, है ना बेब? हाँ बिल्कुल। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? क्या? मरीना बिना कपड़ों के तेरे कमरे में थी, ये सब जो हो रहा है ना वो सब ठीक नहीं हो रहा है। यार पता है मुझे पता है। तुझे पता है ना तू कहाँ पर है? टेनरीफ में। तेरा दिमाग तो ठीक है? देख फिलहाल तू सूली पर टंगा है समझा, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अबे तुझे कैसे पता तू उसको पसंद है? मतलब वो और मैं, वो तेरे साथ सिर्फ सो रही है समझा। मेरे पास सबूत है। अच्छा उसने कभी आकर तुझसे ये कहा है कि कार्लोस मैं तुमको पसंद करती हूँ? कभी बोला है ऐसा? पता है उसने क्या कहा? हाँ बता बता। रुक अभी बताता। उसने मुझसे कहा, हाँ बता, कार्लोस तुम अलेक्सिया को मेरे लिए मत छोड़ो। अभी तू बोल क्या रहा है? कुछ तो सोच कर बोल। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुझे यहाँ से फेंक दूँ। हाँ प्लीज। देख तू सब कुछ खराब कर रहा है, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो ना ही कभी तेरा था और ना ही रहेगा। सुनना यार, कुछ कुछ ऐसा कर दे जिससे उसके मन में मेरे लिए प्यार जाग जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा समझा। हाँ। ज्यादा सोच मत। हाँ। आराम कर। ओके कार्लोस तुमसे बात करनी है। क्या कर रहा है? अरे सॉरी तेरे कान से ऐसे खेल रहा था। ये लो। ये तो मेरे सॉरी कहने का एक तरीका समझ लो, और आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये होटल का कॉन्ट्रैक्ट है, देख लो। क्या कहते हो, साइन कर लें? ये बहुत बहुत अच्छा ऑफर है, और मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा लगा। हाँ और हम दोनों भी आज बहुत खुश हैं। अच्छा बिल्कुल। खुश क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी कीमत लगभग बिलियंस में जाने वाली है। वाओ कांग्रेचुलेशंस, अच्छा लगा। अब इसके ससुर के सारे होटल्स हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। बड़ी खबर है। हाँ यकीन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हें मदद कर रहे हैं? नहीं हम तो बस। नहीं मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तू भी ना, देख कर बोला कर। सॉरी यार गलती हो। देखो सच कहूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे साइन नहीं किया है। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। जरूरत नहीं है। प्लीज नहीं, कोई जरूरत है प्लीज। हाय अलेक्सिया कैसी हो? ठीक हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल पहले जैसे। हाँ वो तो है। तुम अब तक तैयार नहीं हुए, कब से वेट कर रही हो? जल्दी करो हमें जाना है। तैयार होकर आता हूँ। एक्चुअली तुम्हारे डैड ने हमें। तुम आ रहे हो? हाँ और क्या, जहाँ मेरा भाई वहाँ पर मैं। तुम भी चलो ना। कहाँ? चर्च में? नहीं 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 नहीं। देखो प्रीस्ट को हमारे बारे में जानना है, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो तो तुम्हें आना चाहिए। मैं ऊपर वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। अच्छा वो ग्रे ब्लेजर पहनना, अच्छा लगेगा। बस आया, बस आया। ठीक है ठीक है। ओके मरीना आई एम सो सॉरी, अब मेरी बात सुनो। मैं हम बात करेंगे। लेकिन पहले चर्च। नहीं चर्च नहीं प्लीज। नहीं चर्च बिल्कुल नहीं। हम वहां से आकर बात करेंगे ठीक है? नहीं पक्का, वापस आकर ही बात करेंगे ना। एमिलियो और कैसे हो? मुबारक हो भाई, ये नई जोड़ी कहाँ है? ये रही, ये देखो। दोनों की जोड़ी कमाल की है, इनकी आंखों में प्यार ही प्यार भरा हुआ है। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये रही मेरी बेटी, इसकी शादी है। माफ करना बेटा, इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। दोनों खुश तो हो ना? बहुत। शादी के पेपर्स तो तैयार हैं, चलो काम पर लग जाते हैं। चलें? चलिए। तो इंतजार किस बात का, आओ अंदर। हाँ अंदर आओ, चलो चलो बैठो, ये काम बस कुछ ही मिनट में हो जाएगा। ओके चलो देखते हैं। फादर सॉरी, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है?
शादी से पहले सबको साइन करना पड़ता है। इसका मतलब है आज इनके प्यार का इम्तिहान है। नहीं, इससे साबित होता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब ये एक तरह का टेस्ट है। नहीं, ये टेस्ट नहीं है, ये चर्च के मुताबिक शादी है, समझे? ओह अच्छा, इसके बाद हम एक छोटा सा रिलेशनशिप टेस्ट रख लें, बस एक छोटा सा। ठीक है, कहिए। अच्छा तो तुम्हारे पापा ने बताया कि कार्लोस कैथलिक है। कार्लोस? कार्लोस बात पर ध्यान दे। कार्लोस, कार्लोस सच बता दो। क्या मतलब? ये तुम्हें कसम दिला रहे हैं? नहीं, मैं कसम तो नहीं दिला रहा। नहीं नहीं नहीं। फिर भी एक प्रीस्ट से झूठ बोलना गलत बात होती है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं, मैं कार्लोस से एक शादी में मिली थी। बेबी पता नहीं ये क्या बोल रही है। ना इसे कोई पोयम आती है और ना रिलीजन के बारे में कुछ भी पता है इसे। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। पर ये दिल से कैथलिक है फादर, और हमारे लिए यही मायने रखता है। मैं बस झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए जो पता था वो बता दिया। तुमसे झूठ या सच कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए प्लीज जरा कुछ देर शांति से खड़ी रहो, हमें और भी काम है। मेरा टाइम बचाने के लिए शुक्रिया। ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था, एलेक्सिया चाहती थी कि मैं उसके साथ यहाँ चर्च आऊँ। अगर वो चाहती है कि मैं चुप रहूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देखो, मैं किसी को बोलने से रोक नहीं सकती, पर हमें किसी बात का डर नहीं है। हमें किसी बात का डर नहीं है, इन्हें काम करने दो। चलो ठीक है। मैंने सुना है कि आप दोनों नया परिवार शुरू करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमने सोचा है हमारे तीन बच्चे होंगे, मार्था, ओलार्स और एरिक। एरिक कमाल के नाम है। बच्चे वो कैसे होंगे देखते हैं। अच्छा सॉरी, अब मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगी। ये तुम्हें आधे घंटे पहले समझ में आना चाहिए था, अब तक तो सब हो गया होता। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकती हो। मैं देखो, तुम शादी करके प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि इसने किचकिच। ये तुम क्या कह रही हो, अपना मुंह बंद रखो। क्यों नहीं? इसने नसबंदी करा ली है। मुझे ये शादी अभी की अभी रोकनी पड़ेगी। मजाक कर रहे हैं। ये सच है? वो रिवर्स हो जाती है बेबी, सच में। चलो मेरे साथ आ जाओ, बेहतर होगा कि हम इन्हें आपस में बात करने दें, उसके बाद हम रिवाज आगे बढ़ाएंगे। यार अगर बच्चा नहीं हो सकता तो चूहा रख लो या बिल्ली रख लो। प्यारा लग रहा है मरीना, एक घंटे में हो जाएगा ना? एक घंटे में? हाँ एक घंटे में हो ही जाएगा। एक काम करिए ना, उसके नीचे से लाइट लगाइए ना, उसका चेहरा और अच्छा दिखेगा, फिर फोटोशॉप से एडिट भी नहीं करना पड़ेगा। अपना काम करने दो। मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया है, मोबाइल से फोटो खींचने का। वो मोबाइल से फोटो खींचने वाला? देखो फिल्टर लगाने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता। अब चलो यहाँ से। चलो हाँ चलो चलो चले यहाँ से। आ जाओ तुम भी ना यार। तुम आ गई? ये हेलो, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो मरीना। हाय, उनकी शादी कैंसिल हो गई? मुझे बताओ आखिर वहाँ हुआ क्या? मैंने सब गड़बड़ कर दी। क्या किया? इरीन क्या? बाद में बात कर लेना। बाय बाय बाय। आई एम सॉरी। देखो मरीना, तुम अकेली नहीं हो इसमें, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एलेक्सिया से बात करूँ? वो तुम्हारी दोस्त है। मुझे नहीं करनी उससे बात। देखो मैं भी सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, पर नहीं करना। मरीना बताओ क्या चल रहा है। मरीना नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस बार हो गया है।
तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इधर आओ। नहीं 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 प्लीज अभी हग नहीं 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 छोड़ दे मुझे। कैसे नहीं, तुझे प्यार हो गया? नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो अभी सोचना ही पड़ेगा हमें। क्या कह रहे थे, मैं फिल्टर लगाता हूँ? तुम हर जगह मेरा मजाक क्यों बनाते रहते हो? हाँ, तुम अपना दिमाग ठंडा रखा करो। अरे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूँ? देखो मुझे गुस्सा आ गया ना तो ये शादी सब खत्म। हे हे, कभी दूसरों पर भी भरोसा करके देखो, ठीक है? इधर आओ, तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। बॉल के साथ खेलना है बदमाश कहीं के? आजा आजा, बॉल लेकर दिखा, आजा। ये बॉल चाहिए? हाँ हाँ, जा जा लेकर आ। इस शादी में कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट है। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमसे गलती हो गई, पर हम डिस्काउंट देने को तैयार हैं। ड्रिंक्स हमारी तरफ से। उनसे कहो हम उन्हें दूसरा डॉग लेकर देंगे। अगर हम आपको स्मार्ट डॉग दे दे तो? आप सुन रहे हैं ना, एक ऐसा डॉग जो खिड़की से कूदकर अपनी जा। हेलो, क्या हुआ? वो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, एनिमल क्रुएल्टी का केस बना रहे हैं। अब सब कुछ खत्म। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर तो बस चलते रहेंगे। मरीना, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगी। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें अपनी एजेंसी बंद करनी पड़ेगी, मैड्रिड वाला फ्लैट छोड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, तुम शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैं कह रही हूं ना, मैं कुछ कर लूंगी। तुम बिना वजह घबरा रही हो, चुप रहो अब बस। एनिमल क्रुएल्टी का केस करेंगे, पहली बात तो साबित कैसे करेंगे कि वो हमारी वजह से हुआ है। अरे उसने मुझे देख लिया। मरीना, 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 पक्का उसने मुझे देख लिया। एलेक्सिया, हे हे, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था, मुझे कुछ बताना था। मरीना, और प्लीज मरीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। सच में एलेक्सिया, हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। अरे वाह, ये हुई ना बात? हाँ, तो चाहती हूँ कि हमारी शादी तुम ही प्लान करो। क्या? नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं। सुनो, मैंने कार्लो से बात कर ली। अच्छा? है, और अब सब ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, मतलब तुमने क्योंकि हमारी बात हो गई है, प्रेशर नहीं है अब, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, यही तो सबसे जरूरी तुमने है। तुमने हम पर एक एहसान किया है। ओ, अच्छा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारी शादी प्लान करो। एलेक्सिया, मुझे मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें अभी हाँ नहीं कह सकती। देखो सब कुछ तैयार है, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। शुक्र है तुम्हें समझ आया। सही कह रही हो। तो क्या सोचा? मरीना, ठीक है, पक्का? हाँ, ये हुई ना बात, देखा? हाँ, मैं मान गई हूँ, ठीक है, हम शादी प्लान करेंगे। अच्छा, आज रात क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये फ्री है। मम्मा, क्यों? क्योंकि आज मेरी बैचलरेट पार्टी है। और तुम मुझे इनवाइट करना चाहती हो? हाँ, फिर तो मैं जरूर आऊंगी। जितना चाहे पियूंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, ये दोस्ती के नाम से हम दोनों के, और जब तक हम दोनों मरेंगे नहीं तब तक दोस्त रहेंगे। ये हमारी दोस्ती और खुशियों के नाम, नए कॉन्ट्रैक्ट के नाम, नए कॉन्ट्रैक्ट के नाम, नए कॉन्ट्रैक्ट के नाम, हम अमीर बनेंगे। और है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलेक्सिया के नाम, ये ड्रिंक अब एलेक्सिया के नाम, चल जल्दी से कटक जा। क्या हाल है मैड्रिड? मेरी शादी हो रही है और ये सब हो रहा है मेरी दोस्त मरीना की वजह से, क्योंकि ये मेरी शादी प्लान कर रही है और मैं चाहती हूँ ये यहाँ आकर गाए। नहीं नहीं, जल्दी 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 आओ आओ ना। ओके 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 ओके, चलिए लगा दे। चलो इसके नाम पे पीते हैं।
जब मैं छोटी थी मैंने इसे बहुत तंग किया था, पर अब हम दोस्त हैं। इसने मुझे तंग जरूर किया था, पर आज हम दोस्त हैं। यार तू गाना कब से गाने लगा? कभी कभी गा लेता हूँ। सुन ड्राउन ब्राइट आउट एंड आई विल नेवर फॉर साथ में गाना, मुझे गाना नहीं आता। नेवर फॉर द बार एंड आई नीड यू नाउ टुनाइट एंड आई नीड यू मोर देन एवर एंड व्हेन वी होल्ड यू मेरी फेवरेट है। मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी मजा आया मरीनो। हाँ मेरा हाथ। ओके गुड नाइट। पता नहीं आखिर मैं क्या कर रही हूँ। जाके जैकेट पहन ले। जाता हूँ। आज तेरी शादी है कमीने। वेडिंग प्लान करनी हो तो बताना। सोच लिया ना क्या बोलना है? अबे यार वो क्या हुआ, हमको वापस जाना पड़ेगा? नहीं मुझे लगा मैं भूल गया था, पर यही है, ये रहा। बच गए वरना लग जाते। एक मिनट के लिए गाड़ी रोकेगा? क्या हो गया? मुझे घुटन हो रही है। क्या हुआ? बस एक मिनट आ भाई। क्या सोच रहा है? देख यार मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझसे ये शादी नहीं हो पाएगी। क्या मैं कह रहा नहीं है? कर सकता। रुक जा रुक जा। ए, ए, अरे सुन 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 सुन, अरे मेरी बात तो सुनने पहले कर लो। तुझे जो हो रहा है ना वो है पीटर पैन सिंड्रोम। मुझे तेरी बकवास नहीं सुन। देख भाई तू ये ठीक नहीं कर रहा है। जो एलेक्सिया तुझे दे सकती है वो मरीना नहीं दे सकती। कैसा दोस्त है यार, तुझे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी। हाँ, हाँ, बिल्कुल पड़ी है। मेरी तो सोच, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए जरूरी है यार। ना जाने हम कितने सालों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का सपना देख रहे थे, और अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो तुझे उसकी पड़ी नहीं है। पता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे एक सीख मिली है, जानना चाहता हूँ क्या सीख मिली है तुझे? जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तू क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये हॉट लड़की यहाँ क्या कर रही है?
कहां पर, यहां तो हमारे अलावा कोई नहीं है। मुझे वापस जाने के लिए कुछ तो मिले। यहाँ पर तो पत्थर भी नहीं है मारने के लिए। अलेक्सिया को देखा? लड़का यहाँ पहुँच गया है। ठीक है मरीना, बोर्ड लोकेशन पर है, ब्राइड आती हूँ। सुनो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ, अलेक्सिया कहाँ पर? उससे नहीं मिल सकते। नहीं, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। तुम शादी से पहले उससे नहीं मिल सकते। अरे तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है यार, तब बात कर लेना। बात माना करो। देखो वो देखो आ गई, वो कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा सुनो मरीना, अलेक्सिया आ गई, कार्लोस अल्टर पे चलो। चलो जल्दी चलो। अगर ये शादी नहीं हुई ना, इस पर केस ठोक दूंगी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। अभी करनी है। तुम्हारी आज शादी है जी, और हम एक बोर्ड पर हैं। तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई या कोई तमाशा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाथ मिलाओ। ठीक है, शुरू करें। आज हम यहाँ अलेक्सिया और कार्लोस की खुशी में शामिल होने यहाँ आए हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मदद चाहिए तो पूछ लो। हाँ, मदद तो चाहिए। क्या तुमने वो शादी वाली बोट देखी जिस पर बहुत सारे लोग हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अरे यार, मुझे शादियाँ पसंद नहीं है। देखो भाई, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। कार्लोस मेरा दोस्त अलेक्सिया नाम की लड़की से शादी कर रहा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए, क्योंकि इस शादी की वजह से लड़की का बाप हमें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कुछ 3 बिलियन यूरोज का। हमारा सपना था ऐसे बड़े बड़े होटलों पर काम करना। मैं चाहता हूँ ये शादी हो, क्योंकि मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो अपना करियर बदल दे। बस यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अगर ये शादी नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, पहले बता देते तो मैं तुम्हें मना ही नहीं करता। चलो एक काम करो, मेरी बोट लिबर्टी में बैठ जाओ। उस पर डिलान लिखा है। बहुत लंबी कहानी है, चलो बताता हूँ। हाँ चलो। पिछले महीने की बात है। अब हम आपकी सहमति लेना चाहेंगे। अलेक्सिया कार्लोस को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं। क्या? नहीं। फिर से नाटक शुरू। एक मिनट मेरी बात सुनिए। I'm sorry, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। अलेक्सिया शांत हो जाओ प्लीज, मुझे बताओ क्या बात है। मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। I'm sorry। शुक्रिया ऊपर वाले। देखिए शांत हो जाइए, आप ही की बेटी कुछ कह रही है, सुन लीजिए। जब तुमने मुझे कार्लो, जब तुमने मुझे शादी के लिए पूछा, मैंने तुमसे हाँ कह दिया। मैंने हाँ कहा क्योंकि उस वक्त मुझे हाँ कहना सही लगा। और मैंने हाँ कहा क्योंकि मुझे हाँ कहना था। हाँ तो, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद से पूछा ही नहीं कि मैं सच में शादी करना चाहती हूँ या नहीं। कार्लोस समझ नहीं आ रहा, मैं चाहती हूँ लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि आर्थुरो की बेटी कार्लोस की बीवी समझे। और अगर मैं खुद शादी से खुश नहीं हूँ तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रख पाऊंगी, है ना? पता नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लगता है। लेकिन
डरती मैं समंदर से भी थी, और देखो आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्लोस, पर प्लीज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ठीक है? हाँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे बेबी। I'm sorry. शांत हो जाओ बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी ये शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं, मैं बस तुम्हें बताने से डर रहा था। ओए, प्लीज शांत हो जाइए, मैं कुछ बोल रहा हूँ। प्लीज जरा चुप हो जाइए, हम बात कर रहे हैं। सुनो बेबी, तुम जो सोचती हो मैं भी वही सोचता हूँ, मैं बस तुम्हें कभी बता नहीं पाया। पर क्यों नहीं बता पाए तुम मुझे? क्योंकि तुम जानती हो मैं एक डरपोक हूँ, लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं है। तुमने जो कहा मुझे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है, इसलिए ये पहले बोला होता तो खर्चा बच जाता। उस बोट पर ले चलो कैप्टन। माफ कर देना। अच्छा चलो, रोना बंद करो। एक मिनट सुनिए सब लोग, हम दोनों शादी नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग उदास मत होइए, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं। शादी नहीं कर रहे हो? एलेक्सिया, एलेक्सिया, रुको 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 रुको। तुम चुप रहो यार। नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। देखो प्लीज, रोना बंद करो, रोना बंद करो। जो हो गया सो हो गया। आप इनकी शादी कराइए, फादर कार्लोस मरीना के साथ सोया था, ये सब भूल जाओ। नहीं, चुप हो जाओ यार, ये सब तो होता रहता है। कार्लोस नाटक बनकर और चुपचाप शादी कर क्या? अरे ये लोग प्यार करते हैं और क्या चाहिए। देखो कार्लोस एलेक्सिया से प्यार करता है और एलेक्सिया कार्लोस से प्यार करती है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आप क्या कर रहे हो फादर? आप इनकी शादी कराइए। बेटा मैं तो वही नहीं, तो दोस्त है कि पनौती, सुन तो लेता। शादी मैंने नहीं, एलेक्सिया ने तोड़ी। क्यों, अब इसको क्या हो गया रे? अगर तू टाइम से आता तो सुन लेता, उसे अपने करियर पर फोकस करना है और साथ ही अपने आप पर। मुझे बोलता चुप क्यों था? मुझे तो बोला था। अब क्या फायदा, अब हो गया। मरीना, हेलो, कैसे हो सब? ये झूठ बोल रहा है ना? कहो ये सब झूठ है? ये झूठ नहीं। देखो मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर इसकी वजह वो है और ये कमीना। एक मिनट एक मिनट, देखो मैं तुम्हारी वजह से इस पूरे चक्कर में फंसी हूँ, समझे? नहीं, 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 तुमने उस रात अपना कार्ड मेरी जेब में डाला। हाँ, इसने डाला। तो तुम उसे निकाल कर फेंक देते, घर क्यों लेकर गए? ठीक कह रही हो, सही कहा। अब यार मुझे क्या पता था कि मेरे घर जाते ही मेरे कपड़ों की छानबीन करने लगेगी। एलेक्सिया, जब मैंने उसे ये कार्ड दिया था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या इसकी गर्लफ्रेंड तुम हो, या तुम लोग शादी करने वाले हो। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। अगर ये बात है तो फिर सुनो, अगर तुम चाहती तो हमारी शादी प्लान करने से मना कर सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों? इसके लिए सब बकवास कर रही है। अच्छा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ सोए, उसमें भी मेरी गलती है? नहीं 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 नहीं, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन सच तो ये है तुम अपनी दोस्त की बॉयफ्रेंड के साथ सोई हो। अच्छा, तुम्हारी गलती तब भी थी जब तुमने मुझे अपने कमरे से बाहर बिना कपड़ों के भेजा था, और याद दिला दूं उस दिन हमने दूसरी बार सेक्स किया था। अच्छा, दो बार सेक्स कर चुके हो? और दूसरी बार मैंने नहीं, इसने शुरू किया था। उस दिन मैं ड्रग्स के नशे में था। मेरी कहानी तो सुनिए। जो करना है करो। तो तुम्हारे आने से पहले मैंने कभी चीट नहीं किया था। अब मुझे देखकर तुम्हारा मन कर गया, इसमें मेरी क्या गलती? तो सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो। तुम भी मुझ पर मत डालो, समझे? तुम मेरे साथ ही क्यों? पता नहीं, हो सकता है तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स आ गई हो। ओ, नहीं। ये क्या? हाँ, मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था, इसका मतलब मुझे भी तो तुमसे प्यार हो सकता है ना? तो इसका मतलब तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। लो गया कॉन्ट्रैक्ट हाथ से। तब तो तुमसे बड़ा फट्टू मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि इतना तमाशा होता ही नहीं। तुम एक नंबर के फट्टू हो। लगता है आप सब भूल गए हैं, शादी मेरी है और मुझे भी बोलने का हक है। बेचारी को बोलने तो दो। मुझे पता नहीं, पर तुम दोनों में से मैं ज्यादा नफरत किससे करूं? ये सब कार्लोस की गलती है। बस करो, ठीक है? प्लीज ब्राइड को बोलने दो, अब कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। मरीना किसको गलत लगती है, बोलो। अरे वो आपकी बेटी। हाँ, है। भूल गई। ठीक है, सब लोग अपने हाथ नीचे करो, चलो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ प्लीज। मरीना, तुम एक कमीनी औरत हो, ठीक है? मैंने तुम्हें अपने घर पे रखा, तुमसे हर बात के लिए माफी मांगी, और तुमने मेरे साथ क्या किया? और ये तुम्हारा दोस्त पता नहीं कितने दिनों से झूठ बोल रहा था। सही कह रही हो। अच्छा, और अगर शादी कैंसिल नहीं करती, देखो, तो तुम बिना कुछ कहे शादी कर लेते ना, बताओ? हाँ, और फिर पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते? तुम्हें अंदाजा है ये सब भूलने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा? हरामी कह के।
अरे वाह क्या बात है। पता नहीं तो तुम्हें इतना दम है। आए। अरे कोई इसकी मदद करो, कोई मदद करो, वो डूब जाएगा। कार्लोस जल्दी, कोई है? अरे कोई तो पानी में उतर कर उसे बचाओ, वो डूब जाएगा। हट जाओ प्लीज, मुझे देखने दो। मामा अरे ना, ये क्या कर रही हो? और ये भी तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें बचाना होगा। मैंने नहीं क्या किया? कहाँ है वो? कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। गई वो मरीना, कहाँ हो तुम? तुम ठीक हो? इसे कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। मरीना तुम्हें ठीक से तैरना नहीं आता, ऊपर आओ। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे साथ? एलेक्सिया ने तुम्हें मारा और तुम गिर गए। तुम पानी में क्यों आई? तुम्हें बचाने। थैंक यू। मुझे कुछ कहना है। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई क्योंकि मुझे डर था कि एक दिन सब खत्म हो जाता है। मरीना हमारी तो शुरुआत ही खराब हुई है। हाँ वो तो है। तो हमारे बीच क्या रिश्ता है, दोस्ती का, प्यार का? मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजार पाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस। कैप्टन। हाँ। वापस चलो। पर वो दोनों तो नीचे पानी में हैं। वापस चलो। तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम लोग, ए, तमाशा देखने आए हो, बजाने आए हो, बजाओ। नहीं, मेरी बेटी पानी में है, रुको। इस बोट के पैसे मैंने नहीं दिए हैं, उन दोनों को यहीं रहने दो। हेलो मेरे दोस्तों, अब हम उड़ान भरने वाले हैं। ओके। सीक्वेंस 40, 41, 42, टेक वन, अब एक्शन। मैं तुम्हें किस करती पर? तुम्हारी नाक बह रही है। अपनी नाक साफ करके ऊपर आओ। चलो जल्दी, टाइम हो रहा है यार। ओए, मेरी गंदी औलाद। अपनी माँ का नाम खराब करता है। याद है इंडोनेशिया में प्लेन क्रैश हुआ था? नहीं, याद है। मत, हंसी आ रही है तो हंस लो, छुपा क्यों रहे हो? बड़े सॉफ्ट कान है तेरे। एलेक्सिया तेरी बचपन की दोस्त है, उसे मरीना, उसके डैड ने मुझे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी शादी। अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ यार। अरे वो बहुत कमी ना, एक और एक एक और। अब तैयार हो ह्यूगो? लग तो नहीं रहा। इस फिल्म में सबने कितना बोला है।